शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इन दिनों जहां एक और पेट्रोल व डीजल सहित घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, वहीं महंगाई का असर खाद्य तेलों पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए छौंक बघार लगाना भी महंगा हो गया है। इन दिनों अधिकांश घरों में दाल व सब्जी की छौंक बघार के लिए सोयाबीन तेल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। किसी समय खाद्य तेलों में सबसे सस्ता पर्याय रहने वाला सोयाबीन तेल इन दिनों करीब 125 रुपये प्रति किलो की दर पर बिक रहा है और सोयाबीन तेल का 15 किलो वाला डब्बा अब 2020 से 2040 रुपये की दर पर बेचा जा रहा है। इसी तरह मूंगफली का तेल भी फुटकर बाजार में 165 से 170 रुपये के स्तर पर जा पहुंचा है और मूंगफली तेल का 15 किलो का डब्बा 2450 से 2480 रुपये के स्तर पर जा पहुंचा है। वहीं सनफ्लावर तेल का 15 किलो वाला डब्बा 2330 से 2350 की दर पर पहुंचा हुआ है। इसे अब तक का सर्वाधिक दाम माना जा रहा है। इसके साथ ही अन्य सभी खाद्य तेलों में भी इन दिनों जबरदस्त तेजी का आलम देखा जा रहा है। विगत वर्ष कोरोना संक्रमण का दौर शुरू होने से पहले सोना करीब 42,000 रुपये प्रति तोला की दर पर था, जो आगे चलकर कोरोना संक्रमण काल जारी रहने के दौरान 55,000 रुपये प्रति तोला के स्तर पर पहुंच गया। लेकिन बाद में अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान मांग नहीं रहने के चलते सोने के दाम घटने शुरू हुए और सोना प्रति तोला 46,000 रुपये की दर पर जा पहुँचा है। अनुमान जताया जा रहा है कि सोने के दाम 45,000 रुपये प्रति तोला की दर तक जा सकते हैं। लगभग यही हाल सफ़ेद चमकीली धातु चांदी का भी है, जिसके दाम लुढ़कते लुढ़कते 68,000 रुपये प्रति तोला पर जा पहुँचे हैं, जो किसी समय करीब 75,000 रुपये प्रति किलो की दर पर थे। ऐसे में मौजूदा दौर को सोने व चांदी में निवेश करने हेतु अच्छा समय माना जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि वर्ष 2021 के आने वाले समय में दोनों चमकीली धातुओं के दामों में जबरदस्त तेजी आ सकती है। विगत दिनों स्थानीय वलगांव रोड पर चांदनी चौक के निकट असूरिया पेट्रोल पंप के सामने स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा कार्यालय को कहीं और स्थानांतरित करने का आदेश बैंक के मुख्य कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। इस संदर्भ में क्षेत्रवासियों ने कांग्रेस के शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत से मिलकर उन्हें अपनी मांगों का निवेदन सौंपा। पश्चात बबलू शेखावत व पूर्व महापौर एवं पार्षद विलास इंगोले ने इस मसले को लेकर पूर्व विधायक राव साहब शेखावत से चर्चा की, जिसके बाद इस बारे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य व्यवस्थापक माताराम वेंकटराव से पत्र व्यवहार व दूरध्वनि के जरिए संपर्क कर उन्हें बैंक कार्यालय का स्थलांतरण होने की स्थिति में परिसरवासियों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया। पश्चात मुख्य व्यवस्थापक वेंकटराव ने इस शाखा कार्यालय को स्थलांतरित नहीं करने का आश्वासन दिया है। विगत 26 जनवरी से समूचे देश में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, जिसके पहले चरण में सरकारी व निजी क्षेत्र के डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाना शुरू किया गया और दूसरे चरण में पुलिस एवं राजस्व जैसे महकमों के अधिकारियों व कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर कोविड वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ। साथ ही अब 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों सहित 45 वर्ष से अधिक आयु वाले बीमार व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाए जाने का काम शुरू किया गया है, जिसके तहत 16 जनवरी से 8 मार्च तक कुल 35,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। जारी आर्थिक वर्ष 2020-2021 में अमरावती महानगरपालिका द्वारा शहर के संपत्ति धारकों से 47,81,66,084 रुपये का संपत्ति कर वसूला जाना है, जिसमें से 1 अप्रैल 2020 से 8 मार्च 2021 तक मनपा द्वारा 24,25,64,307 रुपये का संपत्ति कर वसूला जा चुका है, जो तय लक्ष्य की तुलना में 50.73% है। वहीं अब भी 23,56,01,777 रुपये का संपत्ति कर वसूला जाना बाकी है, जिसकी वसूली आगामी 31 मार्च से पहले की जानी है। ऐसे में फिलहाल इस रकम की वसूली होना काफ़ी मुश्किल काम नजर आ रहा है। हालांकि मनपा के मूल्य निर्धारण कर संकलन विभाग द्वारा शहर के पांचों जोन कार्यालय अंतर्गत संपत्ति कर वसूली का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार 8 मार्च को एक ही दिन के दौरान पांचों जोन मिलाकर 20,98,396 रुपयों का संपत्ति कर वसूल किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी आगामी 31 मार्च से पहले संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी दवा बाजार में काम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने वाली महिला फार्मासिस्टों व कर्मचारियों का अमरावती जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से विश्व महिला दिवस पर भावभीना सत्कार किया गया। जिले में इस समय कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन को पूरी तरह खोलने की बजाय इसमें अंशतः ढील दी गई है, जिसके तहत सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रोजाना सुबह 9 से शाम 4 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है। साथ ही नए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगले आदेश तक समूचे जिले में स्कूल व महाविद्यालय बंद ही रहेंगे।
ऐसे में अब कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों में अपनी चालान प्रमाण पत्र परीक्षा को लेकर चिंता का माहौल देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विगत मार्च 2020 से बंद पड़े स्कूल व कॉलेज पर लटके ताले आखिर कब खुलेंगे। वहीं राज्य शिक्षा मंडल द्वारा 23 अप्रैल से कक्षा 12वीं व 29 अप्रैल से कक्षा 10वीं की लिखित परीक्षा लेने की घोषणा की गई है। ये परीक्षाएं ऑफलाइन ही ली जाएंगी, जिसके लिए अमरावती संभाग के 5 जिलों में परीक्षाओं हेतु परीक्षा केंद्र निश्चित किए जा रहे हैं। आगामी 8 दिनों के भीतर परीक्षा केंद्रों की जिला व तहसील निहाय संख्या तथा परीक्षार्थियों की जानकारी राज्य शिक्षा मंडल के पास भेजी जाएगी, जिसके बाद परीक्षार्थियों को हॉल टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी जानकारी विभागीय शिक्षा बोर्ड की सहसचिव जयश्री राउत द्वारा दी गई है। इन दिनों जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु शहर से जिले में कड़ाई के साथ अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन खुद स्वास्थ्य महकमे के अंतर्गत आने वाले जिला सामान्य अस्पताल के बाह्य रुग्ण विभाग में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा। यहाँ के बाह्य रुग्ण विभाग में कोरोना संदिग्ध मरीजों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट देने की व्यवस्था हेतु एक काउंटर खोला गया है, जहाँ पर लोग बाग अपनी टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए कतार लगाकर खड़े होते हैं। नियमानुसार इस कतार में हर एक का एक दूसरे से कम 3 से 4 फीट की दूरी पर खड़ा रहना जरूरी है, लेकिन इस कतार में लोग बाग अक्सर एक दूसरे से बेहद सटकर खड़े दिखाई देते हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने हेतु किसी पुलिसकर्मी, होमगार्ड या सुरक्षा रक्षक की तैनाती भी नहीं की गई। इस कतार में खड़े रहने वाले कई लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव भी आती है। ऐसे में इस बात का खतरा भी बना रहता है कि इन संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाएं। ऐसे में इरविन अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर लगने वाली कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ। राज्य के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत घरेलू कामगारों को समाज के मुख्य प्रवाह में लाया जा रहा है, जिसके लिए राज्य के कामगार राज्य मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कड़ू द्वारा किए गए प्रयासों के चलते राज्य के इतिहास में पहली बार घरेलू कामगारों हेतु चलाई जाने वाली योजनाओं के लिए करीब 250 करोड़ रुपयों का प्रावधान राज्य सरकार के बजट में किया गया। घरेलू कामगारों में मुख्य रूप से महिलाओं का समावेश होता है, जिन्हें बेहद अत्यल्प वेतन मिलता है। इस वेतन में बड़ी मुश्किल से परिवार का भरण पोषण होता है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बीमार होने की सूरत में इलाज के लिए पैसा नहीं बचता। इस बात को ध्यान में रखते हुए कामगार राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने पदभार स्वीकार करते ही सबसे पहले असंगठित क्षेत्र के कामगारों की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया और विगत अनेक वर्षों से कागजों पर ही रहने वाली योजनाओं को प्रत्यक्ष में साकार करने का प्रयास शुरू किया गया। आगामी 11 मार्च को स्थायी समिति के नए सभापति का चयन करने हेतु स्थायी समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई गई है। ऐसे में 16 सदस्यीय स्थायी समिति में 8 सदस्यों के साथ स्पष्ट बहुमत रखने वाले भाजपा में नए सभापति का नाम तय करने हेतु गतिविधियां तेज हैं। साथ ही नए सभापति के नाम पर विचार व सहमति बनाने के लिए मंगलवार 9 मार्च को भाजपा कोर कमेटी की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्षद स्वाति कुलकर्णी, गोपाल धर्माले, सचिन रासने व चंदू भूमरे के नामों पर नए सभापति हेतु विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही नामों सहित कोर कमेटी के अभिप्राय को भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के पास भेज दिया जाएगा। विगत फरवरी माह के प्रारंभ से कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसमें 37 दिन बाद मंगलवार 9 मार्च को एक बड़ी राहत मिलती दिखाई दी, जब लंबे समय बाद नए कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर आधी हुई। मंगलवार को जिले में मात्र 282 नए संक्रमित मरीज पाए गए। बता दें कि फरवरी माह में रोजाना 600 से 700 मरीज मिलना बेहद आम बात हो गई थी। यह सिलसिला मार्च माह में भी कायम रहा, लेकिन विगत 2 दिनों से संक्रमण की रफ्तार कुछ सुस्त होती दिखाई दी है। मंगलवार को 283 नए संक्रमित मरीज पाए जाने के साथ ही जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,886 पर जा पहुंची। वहीं मंगलवार को 24 घंटे के दौरान 3 कोरोना संक्रमितों की मौत होने की जानकारी सामने आई। इसके साथ ही जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 572 पर जा पहुंची। इसके अलावा मंगलवार को जिले के कोविड अस्पतालों में 853 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 33,821 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,875 है, जिसमें से 1,302 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपद क्षेत्र में 2,946 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,627 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। जिला परिषद की शिक्षा व निर्माण समिति सभापति प्रिया दगड़कर के निधन से रिक्त हुए सभापति पद के लिए आगामी 20 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। जिलाधीश शैलेश नवाल ने कल 8 मार्च को इस पद हेतु चुनावी कार्यक्रम घोषित किया है। शहर के पीआर पोटे पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज में शनिवार को सिविल इंजीनियरिंग में एमपीएससी में करियर के अवसर इस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जल संपदा अधीक्षक प्रवीण कोल्हे ने मार्गदर्शन किया। इस वेबिनार में संस्थाध्यक्ष प्रवीण पोटे, संचालक डॉक्टर लड़के, प्राचार्य डॉक्टर काले, उप प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद जुबेर तथा विभाग प्रमुख डॉक्टर सचिन सराफ आदि उपस्थित थे।
चांदनी चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को बंद न करने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जिलाधीश को एक निवेदन सौंपा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष वहीद खान ने अपने निवेदन में कहा कि चांदनी चौक से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर इस बैंक के खाता धारक हैं। चांदनी चौक पर सेंट्रल बैंक की शाखा काफ़ी पुरानी है और उसे अपनी जगह पर ही सुचारू रूप से जारी रखा जाना चाहिए। गत रोज कुछ ईट भट्टा संचालकों ने जिलाधीश को निवेदन सौंपकर शिकायत की थी। रतन पावर लिमिटेड व माइक्रो मटेरियल मुंबई नामक कंपनियां केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 1 रुपया प्रति टन की दर पर राख देने की बजाय 100 रुपये प्रति टन की दर पर राख की अवैध तरीके से बिक्री कर रहे हैं। इस मामले को लेकर ईट भट्टा धारकों ने मंगलवार को एक बार फिर जिलाधीश से मुलाकात करते हुए चर्चा की, जिसके दौरान जिलाधीश ने निर्णय लेने के लिए 2 दिन का समय मांगा। इस बीच ईट भट्टी धारकों ने आगामी 2 दिनों तक राख नहीं उठाने की घोषणा की है। लालखड़ी अकोला रेलवे लाइन पर उड़ान पुल के लिए राज्य सरकार के बजट में 115 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी मिली है। इस हेतु स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार के प्रति आभार ज्ञापित किया है। साथ ही कहा है कि यह उड़ान पुल बन जाने के बाद यहाँ से आवागमन में काफ़ी सुविधाएँ होंगी। अमरावती शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह इससे पहले नासिक जिले की जिला पुलिस अधीक्षक थी और उन्होंने लॉकडाउन काल के दौरान मालेगांव में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया था। इस हेतु उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज लोक विद्यापीठ द्वारा श्रीमती विमलाबाई देशमुख समाज भूषण पुरस्कार विश्व महिला दिवस के अवसर पर घोषित किया गया। यह सम्मान उन्हें कोरोना स्थिति नियंत्रण में आने के बाद राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख के हाथों दिया जाएगा। ऐसी जानकारी लोक विद्यापीठ के महासंचालक डॉक्टर मंगेश देशमुख द्वारा बताई गई। विगत फरवरी माह की शुरुआत से अमरावती शहर एवं जिले के कुछ हिस्सों में कोरोना महामारी ने जबरदस्त कहर बरपाना शुरू किया और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाग कोरोना संक्रमित पाए जाने लगे। लेकिन इस बार पुलिस ने जनता की सुरक्षा करने के साथ साथ स्वयं की सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी सतर्कता बरती। यही वजह है कि जहां जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जबरदस्त रफ्तार पकड़ रहा था, वहीं अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में केवल 3 पुलिस कर्मचारियों को ही कोरोना सदृश लक्षण पाए जाने के चलते होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस संक्रमण काल के दौरान शहर पुलिस आयुक्तालय के अधिकारियों व कर्मचारियों ने खुद को संक्रमण से सुरक्षित रखने में सफलता पाई। परतवाड़ा बस थाना परिसर में मंगलवार की सुबह श्रीराम बस सर्विस पर जय बजरंग बस सर्विस के संचालक राजेश एवं नीलेश भुंडे द्वारा अचानक पथराव किया गया, जिससे श्रीराम बस सर्विस की बस के कांच फूट गए। इस समय बस में सवार यात्रियों में जबरदस्त अफरा तफरी मची और लोग बाग अपनी जान बचाने के लिए बस से उतरकर नीचे भागे। जानकारी के मुताबिक एक ही समय में जय बजरंग बस सर्विस और श्रीराम बस सर्विस की बसें अमरावती जाने के लिए खड़ी थी और जय बजरंग बस सर्विस के संचालक राजेश भुंडे व नीलेश भुंडे ने श्रीराम बस सर्विस के ड्राइवर व कंडक्टर को समय हो जाने के चलते अपनी बस निकालने के लिए कहा। इस समय दोनों पक्षों के बीच शाब्दिक वाद विवाद हुआ और जय बजरंग बस सर्विस के संचालक भुंडे बंधुओं ने श्रीराम बस सर्विस की बस पर पथराव करना शुरू किया। इसके बाद बस के ड्राइवर शेख कलीम व कंडक्टर अफसर खान ने तुरंत ही परतवाड़ा थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई और श्रीराम सर्विस के संचालक दुर्गा शंकर अग्रवाल को इस घटना के बारे में जानकारी दी। पश्चात परतवाड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जय बजरंग बस सर्विस के संचालक राजेश व नीलेश भोंडे को गिरफ्तार किया। मामले की जांच चल रही है। महानगर चैम्बर द्वारा लॉकडाउन के नियमों को शिथिल किए जाने को लेकर जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही अपनी ओर से कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जिसमें चैम्बर ने दुकान खोलने का समय सुबह 11 से शाम 7 बजे तक रखने की मांग प्रशासन से की है। चैम्बर पदाधिकारियों के मुताबिक प्रशासन द्वारा सुबह 9 से शाम 4 बजे तक का ही समय दुकान खोलने के लिए दिया गया है, लेकिन बाहर गांव से आने वाले व्यापारियों को इस टाइम टेबल की वजह से काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बाहर गांव माल भेजने में भी व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि 4 बजे ही मार्केट बंद हो रहा है। ऐसे में दोपहर 2 बजे के आसपास मार्केट में अचानक भीड़भाड़ बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि शहर के मार्केट को रोजाना सुबह 11 से शाम 6 अथवा 7 बजे तक खुले रखने की छूट दी जाए। वहीं दूसरी ओर अमरावती होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा भी जिलाधीश नवाल से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस समय होटल एंड रेस्टोरेंट के अध्यक्ष सारंग राउत द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई कि लॉकडाउन को शिथिल करते समय होटल वालों को केवल पार्सल सुविधा उपलब्ध कराने की छूट दी गई है, किंतु ऐसे में होटल व्यवसायियों का कोई व्यापार व्यवसाय नहीं हो रहा, अतः सीमित क्षमता के साथ होटल व्यवसायियों को टेबल सर्विस देने की अनुमति दी जाए। अकोला जिले के बोरगांव मंजू से काटेपूर्णा के बीच हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी से उतरने की घटना मंगलवार की सुबह 11:15 बजे के दौरान घटित हुई। सौभाग्य से इस दुर्घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।
लेकिन इस हादसे के चलते अब वो डाउन लाइन का रेलवे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बडनेरा के रेलवे स्टेशन मास्टर ने बताया कि इस ट्रेन का सबसे पीछे वाला पार्सल डिब्बा पटरी से उतर गया था, उसे वहीं ट्रेन से अलग कर रेलगाड़ी को आगे रवाना किया गया। बाद में इस पार्सल डिब्बे को काटेपूर्णा रेलवे स्टेशन पर ले जाकर उसे वहाँ पर खाली किया गया। इस हादसे में करीब आधे किलोमीटर तक रेल पटरियाँ खराब हो चुकी हैं, जिन्हें सुधारने में रात 12 बजे तक का समय लगेगा। उसके बाद इस मार्ग पर यातायात सुचारू हो पाएगा। सिटी कोतवाली पुलिस ने विगत 17 फरवरी को जोशी मार्केट के सामने उड़ान पुल के नीचे से चोरी गई दुपहिया के मामले की जांच के दौरान भटवाड़ी परिसर निवासी निरंजन पंजाबराव कलस्कर नामक 30 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया था। इस व्यक्ति ने पूछताछ के दौरान 6 दुपहिया चुराने की कबूली दी है। पुलिस ने उसके पास से 2,35,000 रुपये मूल्य के वाहन भी बरामद किए हैं। चांदू रेलवे तहसील के मांजरखेड़ा कस्बे में जानवरों के गोठे में आग लगने से 3 भैंसें व 3 बछड़े गंभीर रूप से झुलस गए। गोठे से सटा हुआ घर भी इस हादसे में पूरी तरह से जल गया। इसके अलावा इस आग को बुझाने के प्रयास में घर मालिक भी बुरी तरह झुलस गया। यह घटना कल सोमवार 2:30 बजे के दौरान घटित हुई। इस हादसे में करीब 5 लाख रुपए का नुकसान होने का अंदाजा है। जिले के आदिवासी बहुल धारणी में मंगलवार की सुबह सड़क दुर्घटना में 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह हादसा धारणी से करीब 7 किलोमीटर दूर बेरदा भुरु गाँव के तालाब के पास घटित हुआ है। मृतक की शिनाख्त रोहित धांडे के तौर पर हुई है, जो ट्रैक्टर चला रहा था। बीच रास्ते में ट्रैक्टर से उसका संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर पलटी खा गया और इस हादसे में रोहित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मंगलवार की सुबह अपना साप्ताहिक बाजार करने के लिए मध्य प्रदेश के खुमाई में गए पतोड़ा के व्यापारियों को वहां के प्रशासन ने कोरोना का कारण बताकर व्यापार नहीं करने दिया और वहां से वापस पतोड़ा जाने हेतु कहा। बैतूल जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ सब्जी विक्रेताओं को ही और उन्हें अपनी सब्जियां बीच रास्ते में फेंककर घर आना पड़ा। यहां वापस पहुंचने के बाद सभी व्यापारियों ने अपनी आपबीती मंडल न्यूज़ बुलेटिन के संवाददाता से बताई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।